दोस्तों केके एक्सेल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा, तो चलिए मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूं। मैं चाहता हूं इस पूरे सेल में एक साथ डिजिट फिल हो जाए, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इक्वल टू आर ए एन एन डी रेंट बिटवीन फार्मूला सेलेक्ट कीजिए। देखिए बटन में हमको जो डिजिट शुरुआत करना है उस डिजिट को फिल करेंगे। जैसे आप डाल दीजिए 50 कमा और टॉप में डाल दीजिए 95। यहाँ पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे दे रहा बॉटन, यहाँ पे दे रहा टॉप, रेंट बिटवीन फार्मूला में, और CTRL प्लस इंटरप्रेस कर दीजिए। लेकिन एक समस्या आती है, जैसे हम दूसरे सेल में जाके कुछ भी राइट करके इंटर करते हैं तो ये डिजिट चेंज होने लगती है। चलिए मैं एक बार और आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के इंटर करता हूँ, ये देखिए ये डिजिट चेंज हो रही है। इधर इधर इस पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए देखिए मैं जैसे यहाँ पे 76 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, ये देखिए डिजिट चेंज हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डिजिट बार बार चेंज ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं ऑल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद और माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसके बाहर नहीं, फिर इसी में माउस के कर्सर को इसी में ला के राइट बटन क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑल सेलेक्ट पर ये ट्रिक लगा हुआ, आपके जो वैल्यू पर ट्रिक कर दीजिए और ये ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं कहीं भी किसी भी सेल में कुछ भी फिल करता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये देखिए डिजिट चेंज नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।